रणबीर जाएगा रिया के साथ हनीमून और प्राची रोकेगी रिया रणबीर का हनीमून। और रिया रणबीर को रोमांस करते हुए देख लिया प्राची ने और प्राची ले आई रणबीर रिया के सामने अपने बच्चे की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रणबीर प्राची के सामने कमरे के अंदर रिया के साथ होगा और रिया रणबीर को कहेगी कि मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है, लेकिन इन दो दिनों में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो शायद अच्छा ही हुआ होगा, इसीलिए तुम मुझे अपने सपने के साथ जीने का एक मौका दे रहे हो और मैं तुम्हारे सपने को अपना सपना बनाकर पूरा करूंगी। ये सब रिया को रणबीर को गले लगाकर कहते हुए प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची रोती हुई काफी ज्यादा गुस्से के साथ घर की गैलरी के पास जाकर बैठेगी, जहाँ पर जब शान प्राची को कहेगी कि ये सब तेरी ही गलती है, रणबीर जो रिया के साथ अब हनीमून जा रहा है वो सिर्फ तेरे ही गुस्से की वजह से जा रहा है, तब प्राची गुस्से से कहेगी इसमें मेरी वजह नहीं है, उसे मुझे समझना चाहिए था लेकिन वो मुझे कभी समझा ही नहीं। और जब शान प्राची को कहेगी कि वो तुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है और उसने अपने पछतावे के लिए तुमसे कितनी बार माफी भी मांगी है, यह सुनकर प्राची कहेगी यही उसकी आदत है, पहले बहुत ज्यादा प्यार करो फिर प्यार करने वाले को छोड़ दो, बाद में फिर से उसे मनाने के लिए माफी मांगो, इसीलिए तो मैं उसे अपने बच्चे के बारे में नहीं बता रही, लेकिन वो चाहता है ना कि वो अपना तीसरा सपना रिया के साथ पूरा करे, तो मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी और मैं रिया रणबीर का हनीमून होने नहीं दूंगी। यह सुनकर शाहना को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन जब दीदा रणबीर के फैसले से काफी ज्यादा अपने कमरे में परेशान होगी और रणबीर के पापा विक्रम को कहेगी कि पुत्र अभी तू यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहा है, तुझे पता भी है कि तेरा बेटा रणबीर अब क्या करने जा रहा है, वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता काफी गलत है, और कहेगी कि अगर एक बार रणबीर ने रिया के साथ हनीमून बना लिया तो रिया रणबीर की पत्नी बन जाएगी। ये सब सुनकर एक पल के लिए रणबीर के पापा विक्रम के होश उड़ जाएंगे, लेकिन विक्रम कहेगा कि मुझे सब पता है और रणबीर ने जो कुछ भी सबके सामने रिया को कहा और हनीमून पे जाने का फैसला किया तो वो सब रणबीर ने गुस्से में किया है, किसी चीज के दबाव में आकर किया है, इसलिए रणबीर के रिया के साथ हनीमून जाते वक्त रणबीर को खुद ही अपने बारे में एहसास हो जाएगा कि वो अब जो कुछ भी करने जा रहा है वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए रणबीर ने अभी सिर्फ रिया के साथ हनीमून पे जाने का फैसला लिया है, लेकिन अभी उसने हनीमून किया नहीं है और मेरे खुद के तजुर्बे के अनुसार रणबीर यह हनीमून रिया के साथ करेगा भी नहीं। यह सुनकर दीदा खुश हो जाएगी, लेकिन जब रिया अपने कमरे में हनीमून पर जाने के लिए अपने सारे कपड़े पैक करी होगी तब प्राची जब अचानक से रिया के सामने आएगी और रिया को कहेगी कि कहाँ जाने की तैयारी करी हो, तब रिया कहेगी मैं अपने प्यार के साथ अपने पति के साथ हनीमून के लिए जाने वाली हूँ और तुमने देखा नहीं कि मेरे पति रणबीर ने मुझे किस तरह हनीमून के लिए इनवाइट किया और उसका एक सपना भी है जो मैं पूरा करूंगी। यह सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची गुस्से से रिया को कहेगी तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी और तुम्हारा हनीमून होने नहीं दूंगी। यह सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे और रिया कहेगी ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, तब प्राची कहेगी तुम बस देखती जाओ क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, जिस वजह से जब रिया रणबीर हनीमून के लिए जाएंगे तभी रणबीर को हनीमून का प्लान कैंसिल करने का मन करेगा, लेकिन वहाँ पर प्राची के होने की वजह से रणबीर हनीमून कैंसिल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जब रणबीर हनीमून के लिए जाएगा तभी प्राची अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रणबीर को बता देगी और कह देगी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन सोर्सेस के अनुसार तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, और लेकिन अगर रिया रणबीर के बच्चे की माँ बन गई तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, और प्राची को रिया रणबीर के हनीमून जाने से पहले रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए क्या नहीं, और आप रिया रणबीर को हमेशा एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक को सब्सक्राइब करें।